नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 10th ऑफ जनवरी 2024 के बारे में। 10 जनवरी 2024 का ये दिन आप सभी के जीवन में क्या कुछ लेकर के आ रहा है, कैसे आप इस दिन को और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कैसे इस दिन की एनर्जी को और ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं और अपने दिन को सबसे बेस्ट दिनों में काउंट कर सकते हैं, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। जब भी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं कि हम अटक से जाते हैं या हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो वहाँ पर सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है विश्वास की, कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कर पाएंगे। और उसके बाद ज़रूरत होती है एक प्रॉपर डेडिकेशन की, कि अपने काम के प्रति आप प्रॉपरली डेडिकेटेड हैं। जब आपके ऊपर विश्वास हो अपने ऊपर और आप प्रॉपरली उस काम को करने की कोशिश करते हैं, तो समय भी आपकी मदद करता है, रास्ते खुद ब खुद बनने लग जाते हैं और चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होने लग जाती है। आज का दिन भी कुछ इसी तरह का दिन यहाँ पर दिखाता है। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के हिसाब से आज के दिन की एनर्जी कुछ इस तरह की है, जहाँ पर आपको कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहली चीज़, आज के दिन में खाली मत बैठिए, आज के दिन में समय को गवाइए मत। आज कुछ अच्छा करने का प्रयास ज़रूर करिए और आज अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसीलिए आज के दिन का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दिन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा प्लीज़। सबसे पहले आज के दिन में जो एंजल नंबर है आपका, वो है 5, 4, 5, 2, 7, 8। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नंबर है और आज के दिन में ये नंबर आपकी एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, आपके कामों की रुकावटों को दूर करेगा और आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए आज जब भी आप इस नंबर को रिकॉल करें, आप अपनी विशेष के साथ इस नंबर को अटैच कर दीजिएगा, डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि इस नंबर को रिकॉल करने के बाद एक पॉजिटिविटी आपके आसपास ज़रूर देखने को आपको मिल जाएगी। आज के दिन में अगर आपका जन्मदिन है, आपके एनिवर्सरी है, आपके जीवन का कोई भी विशेष महत्वपूर्ण दिन है, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आप सभी के लिए मेहनत के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। थोड़ी सी मेहनत या थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो डेफिनेटली आने वाले साल में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। करियर ग्राफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे ऊंचा होता हुआ नजर आएगा, या फिर अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं। हायर स्टडीज़ के लिए आने वाला साल आपका बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा साल रहता हुआ नजर आता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सी राशि, नंबर और अल्फाबेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये दिन। राशियों में सबसे पहले बात कर ली जाए तो आज के दिन में मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए बेहद खास समय दिखाई देता है। नंबर्स में बात कर ली जाए तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6 के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। अल्फाबेट्स में देखा जाए तो अल्फाबेट्स में ए, बी, आई, जे, एन, क्यू, आर, टी और डब्ल्यू, आप सभी के लिए आज का ये दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सा अफर्मेशन आपके लिए बेहद खास रहेगा, एक ऐसा सेंटेंस जो आपके लिए आज की एनर्जीज को बनाता है और आपको और ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में मदद करता है। आप इसे एज एन वैदिक मंत्रा भी यूज़ कर सकते हैं। एक संस्कृत का बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है कि यत भावो तत् भवति, मतलब कि इसी का आज का अफर्मेशन भी बनता है आपका, कि यू विल बिकम व्हाट यू विल बिलीव, मतलब कि जो आप विश्वास के साथ करेंगे वही आप जरूर पाएंगे। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो जैसा आपका मन करे, चाहे संस्कृत में बोलना है, चाहे इंग्लिश में बोलना है, चाहे हिंदी में बोलना है, आप इस सेंटेंस को ज़रूर बोलिए। और जब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं और आप उस पर कितना विश्वास करते हैं। प्लस ये कन्फर्मेशन भी आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए आज इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख करके इस अफर्मेशन के साथ आगे बढ़िएगा, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी।
इसी तरह से आज के दिन में अगर हम बात करते हैं वैदिक वर्ड की, एक ऐसा शब्द जो पूरे दिन की एनर्जी को बैलेंस करता है, एक ऐसा शब्द जो आपकी चीजों को, इच्छाओं को पूरा करता है, आज कुछ इसी तरह का वैदिक वर्ड रहेगा जो कि अट्रैक्शन पावर को बढ़ाने में मदद करेगा। आज आपको क्या करना है, बहुत सिंपल चीज करनी है। आज वैदिक वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है ये नोट कर लीजिएगा। आज अपने हाथ पर आपको क्या लिखना है, अपनी विश लिखनी है, और विश लिखने के बाद आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, फुलफिल माय विश, फुलफिल माय विश, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि मेरी विश पूरी करी जाए। आप इस सेंटेंस को लिख दीजिए, अपने विश लिख दीजिए इन अ शॉर्ट फॉर्म, अपने हाथ पे लिख दीजिए। और साथ ही साथ आप क्या करेंगे, अगर आपके घर पे इत्र है, परफ्यूम है, या फिर कोई भी खुशबूदार चीज है, आप उसको अपने विश के ऊपर लिख करके लगा दीजिएगा और अपने हाथों को इस तरह से पैक कर दीजिएगा। दिन में 3 बार इस तरह से पैक करने के बाद आपको उस विश को मन में रिकॉल करना है 11 times, और सिर्फ ये देखने की कोशिश करनी है कि वो विश आपकी पूरी हो रही है। उम्मीद करूंगा जब आप इस वैदिक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये विश फुलफिलमेंट आपका बहुत अच्छा होगा। एंड जैसे मैंने कहा, यत भावो तत भवती, जितना विश्वास के साथ करेंगे उतना ही चीजें आपकी होते हुए नजर आएगी। इसीलिए आज परीक्षा आपकी विश्वास की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहां पर आज के दिन में कौन सा वैदिक रेमेडीज आपको करना है जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा खास रहेगा। गोल्डन विश टाइम की यहां पर बात कर लें तो दोपहर का समय 3:30 से लेकर के 4:30 का समय बेहद खास समय है। इस समय में कोई भी जरूरी काम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आज के दिन में कलर्स की बात करें तो पर्पल कलर आज के दिन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कलर है। आज जब भी किसी चीज को करें, पर्पल कलर अपने आसपास रखें, आपके लिए अच्छे रिजल्ट जरूर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहां पर किसी विशेष कार्य से अगर आप बाहर जाते हैं तो एक चीज जरूर करिएगा, केसर का टीका अपने माथे पर लगा करके जरूर जाइएगा, यह आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सुबह सुबह उठते ही सूर्यदेव के दर्शन करना आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्यदेव के दर्शन कर लीजिए या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का मन में जाप कर लीजिए, सूर्यदेव को याद कर लीजिए आंख बंद करके तो भी चलेगा। बेड से नीचे उतरते समय सीधा पांव जमीन पर रखिएगा और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करिएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और महत्वपूर्ण चीज, एक बार बेड से उतरने के बाद आज के दिन में वापस दोबारा बेड पर मत जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यू टर्न मत लीजिएगा आज, क्योंकि आज के दिन में लिया गया यू टर्न कहीं ना कहीं आपके कामों में रुकावटें लेकर के आ सकता है। इसी के साथ साथ आज के दिन में आप सभी को गणेश मंत्र ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का भी जाप करना है, ये भी आपके लिए बेहद खास रहेगा और आपके काम आसानी से बनते हुए नजर आएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। सो ये छोटी छोटी रेमेडीज अगर आज आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने दिन को अच्छा बना देंगे और किसी तरह की परेशानी आपके ऊपर नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं आज के दिन का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए ये सारे उपाय जरूर करके दूसरों तक भी शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।